क्वेश्चन नंबर टू बच्चों, फिगर में आप देख पा रहे हैं कि PQ 12 सेंटीमीटर है और PR 13 सेंटीमीटर है। आपको tan P माइनस cot R बताना है। बच्चों tan P और cot R के लिए हमें थर्ड साइड चाहिए, QR पता होना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल PQR क्या PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों हैप्पी रिडल्स क्या है, पहचान पा रहे हैं आप? PR स्क्वायर, PR की वैल्यू है 13, 13 स्क्वायर, PQ है 12 और QR स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 144 QR स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, ये 169 माइनस 144, ये हो जाएगा बच्चों 25 और QR मिल गया 25 का स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। अब आपके पास QR भी है, कितना 5 सेंटीमीटर, क्लियर है बच्चों? अब ये देखें कि हमें क्या चाहिए, tan P चाहिए। tan P के लिए बच्चों एंगल P के लिए, ये रहा एंगल P, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, इसके सामने वाली साइड, और बेस ये होगा, तो आप लिख पाएंगे QR अपॉन PQ। ऐसा क्यों बच्चों? tan P का जो रेशो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होगा, और यहां परपेंडिकुलर क्या है एंगल P के लिए, QR और अपॉन में PQ। QR की वैल्यू बच्चों 5 और PQ की वैल्यू 12। cot R और पता कर लेते हैं, cot R बच्चे B अपॉन P होगा, लेकिन एंगल चेंज हो गया, ये वाला एंगल है, तो बेस इसके लिए होगा और P ये, तो 5 अपॉन 12, पहले लिख लीजिए बच्चों आप QR अपॉन PQ, आई हो जाएगा 5/12। ओके, अब आपको इनका डिफरेंस चाहिए, तो tan P माइनस cot R क्या 5/12 माइनस 5/12 कैंसिल हो गया बच्चों, इज इक्वल टू 0, यही आपका आंसर है।